हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आज हम क्या सीखने वाले हैं? पॉइंट। अ पॉइंट इज़ अ फाइन डॉट। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। इट कैन बी इमेजिन्ड। पॉइंट इज नेम्ड बाय एनी कैपिटल लेटर। सो इन हिंदी में बताती हूँ मैं, पॉइंट एक डॉट है जो कि जिसकी कोई लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है और कोई थिकनेस भी नहीं है, तो इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। पॉइंट इज नेम्ड बाय एन कैपिटल लेटर लाइक दिस, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट जेड। सो दिस इज नोन एज पॉइंट। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। देन अगेन इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ स्ट्रेट पाथ कंटेनिंग ए एंड बी एंड ऑल पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। वी मे ऑल्सो राइट लाइन सेगमेंट ए बी एज ए बी लाइक दिस। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है कि ए पॉइंट एक होता है, एक पॉइंट बी होता है, बी नहीं या एक्स वाई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ए एंड बी ले रखा है। तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं कि जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो लाइन डेफिनेट होती है कि ये एक सेगमेंट लाइन, इसीलिए कहलाती है लाइन सेगमेंट। सो इसमें डेफिनेट लाइन होती है, इनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। सिंपली इसको ए भी लिख सकते हैं और एक लाइन ड्रॉ करके ए बी भी लिख सकते हैं, सेगमेंट लाइन, और इसी तरह कर सकते हैं। अगेन लाइन। अब लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, अभी पता चल जाएगा। अ लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स एंडलेसली इज कॉल्ड अ लाइन। सो अ लाइन हैज़ नो एंड्स, नो डेफिनेट लेंथ। वी मे ऑल्सो राइट लाइन ए बी एज ए बी और बी ए। सो जो लाइन सेगमेंट थी, अब इसमें क्या है, ये लाइन है, तो ये लाइन में एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लेकिन ये ए बी तो लाइन सेगमेंट होगी, लेकिन उससे जब बढ़ गई तो लाइन में जो लाइंस होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं, बोथ साइड्स बढ़ती चली जाती हैं एंडलेसली। सो इनकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसमें ये डिफरेंस है। सो इसको हम लाइन ए बी भी लिख सकते हैं एज ए बी लाइक दिस और बी ए लाइक दिस, और लाइन बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो रे, अरे इज अ स्ट्रेट पाथ that has one end point and goes on in one direction. We may also write ray AB or AB like this. Okay? So ray में क्या change है? Ray में एक definite point होता है और एक indefinite, जो endlessly बढ़ता रहता है। तो A तो definite है और एक other point है जो कि definite नहीं है, तो that is called ray. तो चारों में क्या difference था? Point is a dot. लाइन सेगमेंट जो जिसमें दो डेफिनेट लाइंस पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक लाइन होती है वो डेफिनेट होती है, और ये लाइन डेफिनेट नहीं होती है, और इस रे जो लाइन होती है वो डेफिनेट नहीं होती। तो रे में एक पॉइंट होता है जो डेफिनेट एंड होता है और एक इनडेफिनेट एंड होता है, बस इसमें यही डिफरेंस है। इट्स सो सिंपल। सो अगेन एंगल। अब हम एंगल बताते हैं। एन एंगल इज एन is a figure made by two rays meeting at a common point. This common point is known as vertex and two rays are called sides of angles. So देखते हैं, ये दो rays हैं जिनका एक common point है, this is known as vertex. So और ये क्या कहलाएंगे, इसके sides, हमने नाम दे दिया x, y and z, तो this is known as angle, ठीक है। तो हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे एक एंगल बन गया, ठीक है। द एंगल शोन इन फिगर इज एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई एक्स। तो एक्स वाई जेड एंगल हो सकता है और जेड वाई एक्स भी हम इसे पढ़ सकते हैं, और वाई हमेशा मिडिल पार्ट में ही रहेगा, ये देखिए आप लोग, ओके। देन टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है राइट एंगल। द एंगल हुज मेजर्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल। एंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल, इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो बस राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। हमारे पास प्रोटेक्टर है, कोई भी आप लिख सकते हैं, इसे प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से ज़ीरो काउंट होता है और यहाँ पे आके 90, ये मैंने बनाया है, 90 डिग्री एंगल है, बस ये स्ट्रेट एंगल, इसीलिए ये राइट एंगल, क्योंकि सीधा सीधा खड़े हुए राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री का ही होता है, डेफिनेट होता है इसका कि राइट एंगल ही है। तो मैंने पॉइंट लिए पी क्यू आर, सो दिस इज नोन एज राइट एंगल। अगेन अक्यूट एंगल। व्हाट इज अक्यूट एंगल? एन एंगल
whose measure is less than 90 degrees called an acute angle. Angle PQR is an acute angle. Just see P, Q and R. Acute angle because 90 degree तो बिल्कुल straight, ये होता कैसे होता है? Straight नहीं होता है. ऐसे सी इस देखिए 90 डिग्री ये स्ट्रेट ये लाइन होती है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे 90 डिग्री से लेस हो गया. कोई भी कहीं पर भी लाइन होगी वो अक्यूट एंगल ही कहलाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो एंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो कैसे दे देखिए 90 डिग्री से यहाँ पे 90 डिग्री इससे ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री यहाँ आता है तो 180 डिग्री से कम है, अंदर है उसके अंदर, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा. ओके, आई होप यू गॉट इट. स्ट्रेट एंगल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. तो एंगल पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट एंगल. सो आप कैसे, ये तो एक आपको लाइन दिख रही, लेकिन जब आप पॉइंट मिलाते हैं यहाँ से, देखिए ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से जाते 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 130, 131, 140, 150, 160, 170 ये 180, तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक. सो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज़ ए स्ट्रेट एंगल. ओके, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Angle PQR is a reflex angle. So reflex angle को अब मैं फिर से प्रोटेक्टर लेती हूँ. ये है 360 degree, यहाँ पे आता है ये 180 degree आता है, ये है 90 degree. So अब ये 180 degree से ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल. ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट. कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. सो एंगल पी क्यू आर इज अ कंप्लीट एंगल. हाउ, एक स्ट्रेट लाइन ली, फिर आपने यहाँ से, मैं आपको पेंसिल से बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल लिया हुआ है. देखिए वो बहुत बड़ा बन गया, ये है ऐसे ही. तो P से शुरू हुआ, फिर दूसरी लाइन जब आई वो R पे, तो सो पी क्यू आर इज़ अ कम्प्लीट एंगल, इट्स कॉल्ड अ कम्प्लीट एंगल. ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ. टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल, तो क्योंकि राइट है 90 डिग्री एंगल इज अ राइट एंगल. एंड अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूस. स्ट्रेट एंगल इज अ लाइन एंड रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड कम्प्लीट एंगल इज 360 डिग्री. ये कम्प्लीट 360 ही होता है. देखिए आप यहाँ पे, तो आपका आ सकता है एक्सरसाइज, तो डेफिनेशंस आएंगी मेन इसमें, जैसे व्हाट इज़ अ लाइन, डिफाइन लाइन, व्हाट इज़ रे, डिफाइन प्लीज डिफाइन रे, स्ट्रेट एंगल एंड अप एंड ऑब्ट्यूस एंगल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती हैं. नेम द फॉलोइंग एंगल्स, तो आपको बताना होगा कि नेम 30 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, तो ये क्या होगा. तो 30 डिग्री इज अक्यूट एंगल, 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 180 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल. 189 है ये. सो इस तरह से आपको नेम बताने हो सकते हैं. और एक्सरसाइज में आ सकता है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय प्रोट्रैक्टर. देखिए अब आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है. आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी एक पॉइंट के साथ, आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप लेंगे प्रोटेक्टर, उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे. ठीक है, और इस ज़ीरो की लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे.
40 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे जस्ट लाइक दिस। सो ये 40 डिग्री हो गया एंगल। अगर आप नाम भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब 120 डिग्री, फिर अगेन मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्रोटेक्टर लिया आपने, अपने यहाँ रखा और ज़ीरो से ब्लैक वाली लाइन को मिलाया 120 डिग्री। तो यहाँ से ज़ीरो काउंट करना, 180 डिग्री नहीं देखना, यहाँ से देखते हुए जाएंगे क्या है 120 डिग्री यहाँ पर। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से ये ज़रूर करेंगे, ये 120 डिग्री है। अब इसका नाम हम रख सकते हैं पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री, यू कैन राइट। अब 165 डिग्री एंगल है, तो हम अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉइंट वाई एंड जेड लिख सकते हैं, ठीक है, नाम देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। देखिए ज़ीरो से मिला है, ज़ीरो 50 60 70 80 160 एंड 5, तो 170 आ रहा है, तो 160 के बाद ये जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है 165। तो ये बन गया एंगल ऑफ 165। सो दिस इज नोन एज 165। सो वी कैन नेम देम एज एक्स एक्स वाई जेड। सो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 165 डिग्री ऑफ एंगल, ये एंगल का साइन है, ठीक है। आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। ये देखिए 40 डिग्री का, 120 डिग्री का और 165 डिग्री का। अभी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओके टेक केयर एंड बाय बाय।